नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो विजय मुदीरेत् सदाशिवसमारभ्य शंकराचार्य मध्यमां अस्मद् आचार्य पर्यन्ता वंदे गुरुपरंपरां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबका स्वागत करता हूं इस सत्र में। अब हमारे यहाँ पे ज्यादातर से एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा रामायण और महाभारत इसी बारे में कि ये जो दो है वो तो एपिक्स है, काव्य ग्रंथ है या इतिहास है। लोगों को हमेशा ही ये प्रश्न उपस्थित किए जाते, जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां पे भी उपस्थित किए जाते। तो हमने कहा कि भैया हमारी परंपरा में इन्हें काव्य इतिहास ग्रंथ कहा गया है, काव्य के माध्यम से बताया गया इतिहास। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे पहला काव्य जो है, इसलिए जिसे आदि काव्य कहा जाता है, वह है रामायण। और काव्य के माध्यम से ही वो इतिहास बताया गया। तो बोले वो अगर इतिहास है तो आज उसके प्रूफ्स कहाँ हैं? आप सहस्रों वर्ष पूर्व इतिहास के प्रूफ्स पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हो, 300-350 वर्ष पूर्व के प्रूफ्स आपके पास हैं? इसका विचार कोई नहीं कर रहा। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व जो हो गए हैं, सहस्रों वर्ष जिन्हें बीते हैं, उनके बारे में तो हम पूछते हैं। अच्छा, वाल्मीकि जी ने यह कहा है या व्यास जी ने यह कहा है, इसलिए हम उसे सत्य कैसा माने, दूसरा सवाल। तो मैंने कहा वे तो आए नहीं ना कॉपीराइट के बारे में आपको पूछने के लिए कि भैया मेरा कॉपीराइट है इस पे। लेकिन ऐसा है कि उसे काव्य आप मानिए या उसे इतिहास मानिए, दोनों परिस्थितियों में जो व्यास जी ने या वाल्मीकि जी ने जो कहा है वही सत्य है, वही प्रमाण है। क्योंकि ऐसा है, अगर उसे काव्य मान के चले तो उसके रचयिता कौन है, वाल्मीकि या व्यास? आपको और हमको क्या अधिकार है उसमें बदलाव लाने का? आज भी किसी कृति में या कलाकृति में या लेखन कृति में अगर कोई कुछ करता है, एक शोले पिक्चर आपको उदाहरण देता हूं, शोले पिक्चर में पिक्चर के आखिरी में अमिताभ मर जाता है, बहुत से लोग अरे यार उस पर नहीं मानना चाहिए, बहुत जनों को वो अखरता है। लेकिन उसका कॉपीराइट सलीम जावेद के पास है ना, उन्होंने लिखा है, वैसे आपको मानना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या नहीं, इसके ऊपर सिनेमा निर्भर है क्या? सिनेमा निर्भर नहीं है। उसी प्रकार से जो व्यास जी ने लिखा या वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसी को प्रमाण मानना चाहिए, अगर आप काव्य मानते हो तो। अगर आप उसको इतिहास मानते हो तो भी उनको ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि इतिहास पे पहला प्रूफ कौन सा रहता है? कंटेम्पररी लोगों ने जो लिखा हुआ है, समकालीन लोगों ने जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे हमेशा प्रमाण माना जाता है और किसी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती। तो देखिए, काव्य हो या इतिहास हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपको वाल्मीकि जी और व्यास जी, इनको ही प्रमाण मानना चाहिए। इन ग्रंथों के ऊपर और किसी ने कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको हम प्रमाण मान ही नहीं सकते, वो तो केवल उसकी कल्पना मात्र है और कल्पना प्रमाण नहीं होती। तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और ऐसे जब हम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, तो हमें ये बात हमेशा समझ में रहनी चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि मूल पुस्तक आप पढ़िए, मूल रामायण पढ़िए,
मूल महाभारत पढ़िए। हालांकि उसका संस्कृत का बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन उपलब्ध है, जैसे कल मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से। अब हम कुंती के बारे में देख रहे हैं। कुंती अपने पांचों बच्चों को लेकर हस्तिनापुर में आई। एक तो बेवा है, वो विधवा है। अपने पांचों बच्चों को लेकर जैसे हस्तिनापुर में आई, हस्तिनापुर में कौरव तो थे, सब बच्चे छोटे छोटे थे। यकायक वो पूरा जो राजबाड़ा था, सब महल भी जो थे, वो बच्चों के किलकारियों से भर जाते होंगे, क्योंकि एक दो बच्चे नहीं, उनके 100, ये 5, 105 यहीं पे हुए, एक दुश्शला 106, और कर्ण, क्योंकि वो भी हमेशा ही वहीं पे ही रहता था, तो कुल मिलाकर 107 बच्चों के किलकारियों से वह पूरा सदन किस प्रकार से प्रफुल्लित होता होगा, आमोदित होता होगा, केवल हम कल्पना भर कर सकते हैं। लेकिन उन सब में अगर किसी को उद्दंड कहा जाए, उद्दंडता तो होती ही है, बच्चे अगर बचपन में उद्दंडता न करे तो क्या आगे जाके करे, वो तो बचपना रहता है। उस बचपने में किसी के प्रति दुष्ट भाव नहीं रहता। और उसी प्रकार से जो भीम था, सबसे ताकतवान था, तो भीम बचपन से ही ताकत में अगर वो बहुत ही बड़ा था तो सबको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही छल करता है। कपट तो था ही नहीं, क्योंकि बचपन में कपट कभी नहीं होता, छल हो सकता है। तो कभी कभी सब बच्चे जब नदी में जाते थे तैरने के लिए, तो किन्हीं किन्हीं को लेके वो खुद डूब जाता था, उनको डुबा कर वापस आ जाता था। मतलब बाल सुलभ जो क्रीड़ा रहती है वह होती थी। लेकिन दुर्योधन मूलतः दुष्ट था ही। कर्ण के साथ उन दोनों ने मिलकर भीम पर विष प्रयोग किया, उसे विष दिया। देखिए, मैंने कल जैसे कहा था कि विष आपको मराठी शब्द लगेगा, वो हिंदी है, नहीं तो लगेगा जहर, लेकिन जहर उर्दू है। मैं काफी, देखिए काफी आ ही गया, मैं अधिकतर प्रयास करता हूं कि मेरी हिंदी में उर्दू शब्द ना आए। और हालांकि जो हमारी हिंदी है वही बोलने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करूं। हालांकि उज्जैन में और इंदौर में मैं काफी रहा हूं, तो हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती। हिंदी में लिखने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो साहित्यिक हिंदी है वो अलग ही भाषा है, और वो भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही जिसे आप कहें संपन्न, इस प्रकार की भाषा है। अच्छा, और रहने दीजिए। तो भीम को इस प्रकार से मारने का एक नहीं, दो बार प्रयास किया गया। दोनों बार विदुर जी आए और विदुर जी ने कुंती को बताया। कुंती दुखी तो थी, अपने बच्चों के साथ इस प्रकार से बर्ताव से वो नाखुश भी थी, लेकिन वहां पे आके विदुर जी ने उसे कहा, अभी कुछ भी मत कहो, क्योंकि अगर तुम कहोगी तो हो सकता है कि आज तो एक भीम के विरुद्ध ये सब कर रहे हैं, कल सभी पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ हो जाएगा। उसके बजाय अभी तो चुप्पी साधो। हाँ, जिस प्रकार से उनकी परवरिश हो रही थी, जिस प्रकार से बच्चे बड़े हो रहे थे, बस उसमें केवल सावधानता इतनी ही लेनी है, और कुछ मत करो। तो विदुर जी के कहने से कुंती शांत हो गई। विदुर जी का यहाँ पे उनका नाम आया ही है। तो परसों आपको रामायण में शबरी की कथा बताई थी। अब किंवदंतियां कैसे आती है, इसका एक उदाहरण देता हूं। महाभारत में एक जन ने मुझे कहा और पूछा था उन्होंने कि भाई वो जो शबरी थी वहां पे, वही शबरी महाभारत में हमें विदुर जी की पत्नी के रूप में दिखाई पड़ती है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर में आए। विदुर जी थे ही नहीं, लेकिन उन्हीं के भक्ति में जो लिप्त थी उनकी पत्नी, उसने भगवान के सामने केले रखे,
केले उनको छिलका निकाल के देना चाहती थी, लेकिन वह स्वयं ही इतनी विभोर हो गई भक्ति में कि छिलका निकाल के केला स्वयं खाती थी और छिलका भगवान जी को देती थी, और भगवान जी भी बड़े प्रसन्नता से वो ग्रहण करते थे। तो अगर शबरी की कथा इस प्रकार से महाभारत में आई है और आप कहते हो कि शबरी को तो मोक्ष मिला, पुनः उसको जन्म नहीं, तो किस प्रकार से ये बैठता है? या तो उसने अपने झूठे बैर दे दिए भगवान जी को खाने के लिए, इसीलिए ये छिलका और केला इस प्रकार से, केला वह स्वयं खाती थी और छिलका भगवान जी को देती थी। तो मैंने कहा भैया ये कथा कहाँ है महाभारत में, वो तो दिखाओ। आप जो कह रहे हैं वो किंवदंती है, मूल महाभारत की कथा ही नहीं है। अब मूल महाभारत में जो कथाएं होती भी नहीं है, वो भी लोग जो जो किंवदंतियां आती है वो लोग ऐसा समझते हैं कि किंवदंती ही सही मायने में या सच्ची कथा है। जब पूछा जाता है कि कहाँ पे है, कौन से पर्व में है, कौन से अध्याय में है, तो फिर सटपटा जाते हैं, क्योंकि जो होता ही नहीं वो दिखाएंगे कैसे। तो इस प्रकार से विदुर तो बहुत बड़े भक्त तो थे। अच्छा, विदुर के घर में जब मध्यस्थी करने के लिए गए थे ना भगवान जी, श्री कृष्ण शिष्टाई का जो एक अध्याय है, मध्यस्थी करने के लिए जब भगवान जी वहां पे गए थे तो वे उतरे कहाँ पे थे, तो विदुर जी के घर पे। तो विदुर जी के घर पे चावल खा के भगवान रहे। विदुर जी केवल चावल क्यों खाते होंगे, वे तो महामंत्री थे, उन्होंने भगवान जी का स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया है, बहुत अच्छे अच्छे खाना उनको मिलता था, पकवानों का भोग उनके नसीब में था। तो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि केवल चावल खा के, मतलब विदुर जी बहुत गरीब वगैरह थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। महाभारत में कहीं पे भी इस प्रकार का वर्णन नहीं। अच्छा वो ठीक है, वो भी बात हम छोड़ देते। तो अब ये बच्चे बड़े होने लगे, और जैसे जैसे बड़े होने लगे तब लक्षाग्रह का एक प्रकरण, क्योंकि पूरा महाभारत तो दो दिन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाभारत संहिता ही है 100,000 श्लोकों की, 100,000 श्लोक, इसलिए कई कई महाभारत के अभ्यासक, कई जन्म का मानना यह है कि केवल 8,000 श्लोक ही व्यास जी ने लिखे, बाकी और 36,000 उसमें सौती जी ने लिखे, और जो है बाकी बचे हुए वह सब वैशंपायन जी ने लिखे। क्यों भैया, अकेले व्यास जी 100,000 श्लोकों की निर्मिति नहीं कर सकते? आज हम हमारे यहाँ पे दिखा सकते हैं महाराष्ट्र में दासोपंत जी ने 1,00,000 श्लोकों के 2 ग्रंथों की रचना की, 1 नहीं 2। तो व्यास जी 100,000 श्लोकों का महाभारत नहीं रच सकते थे क्या? लेकिन ऐसा है, जो कहते हैं हम संशोधन कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं उनके बारे में हम ठीक ही है, ऐसा ही कहेंगे, इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि आख्यान के साथ उपाख्यान भी आता है। तो उपाख्यान कहाँ आता है, किस प्रकार से आता है, एक उपाख्यान मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो लक्षाग्रह में छूटने के बाद जब पांडव अज्ञातवास में रहते थे, तो एकचक्रा नगरी में उनका वास था। एक चक्रा नगरी में एक बार जिस ब्राह्मण के घर में वे रह रहे थे, वहां पे एक बार सवेरे पूरा घर रोता हुआ बिलखता हुआ नजर आया। अच्छा, वो रोने की आवाज सुन के कुंती वहां पे गई, उसने पूछा कि क्या हो गया, कौन सा संकट आ पड़ा, क्यों आप रो रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने ऐसा बताया कि ये एक चक्रा नगरी पे एक संकट तो है ही, बकासुर नाम का एक राक्षस है, और बकासुर ने हमारे राजा को कहा है कि हर रोज एक बड़ा सा गाड़ा भर के अन्न एवं एक भैंसा और एक मनुष्य उसके भोजन के लिए भेजना चाहिए, वरना वो पूरा उसका जो राज है वह तहस नहस कर देगा, ध्वस्त कर देगा। तो बारी बारी सब जन जाते हैं। अब इस बार आज की बारी हमारे घर की है। अब मेरे बेटे को कैसे भेजूं वहां पे,
एक राक्षस का निवाला बनने के लिए। तो कुंती बोली बस इतना ही है ना, मेरे बेटे को भेजते। तो बोले नहीं नहीं आप तो अतिथि है, अतिथि का स्वागत, उसके रहने का कुछ भी, उसके रहने के लिए उसको जगह वगैरह देना, उसकी जो भी चीज चाहिए उसकी आपूर्ति करना, यह सब हमारा धर्म है, गृहस्थ धर्म है, तो अपने बेटे को मत भेजो। बोली तुम्हें मालूम नहीं मेरा बेटा क्या है, लेकिन मुझे मालूम है, आप बिल्कुल निशंक रहिए, मैं मेरे बेटे को भेजती हूँ। लाख मना किया उस ब्राह्मण ने, लेकिन फिर भी कुंती नहीं मानी, और उसने भीम को कहा कि ले जा, और भीम बोला ठीक है, माता को वंदन किया और चल पड़ा वन की ओर। जैसे युधिष्ठिर घर में आया, उसे मालूम पड़ी ये बात, तो उसने अपनी माँ को ही खरी खोटी सुनाई। भीम की अभी आयु ही क्या है, वह राक्षस कौन है, कैसा है, कैसे दिखता है, उसके शरीर में कितना बल है, कुछ भी हमें मालूम नहीं है, और फिर भी अपने बेटे को, अपने भीम को वहां पे भेजा है तुमने, क्यों भेजा? तो कुंती हंसी और बोली मेरे बेटों के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जानता है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसका नाश करके ही भीम लौटेगा। ये जो है ना, ये विश्वास है, बेटों को जानना है, उनके शक्ति के बारे में माँ को मालूम है, तेजस्विता दिखती है इसमें कुंती की। और वही हुआ, भीम ने बकासुर का नाश किया, वो चला आया। जैसे बकासुर का नाश हुआ, एक चक्रा नगरी में बिल्कुल आनंद की लहरी लहरी उठी, सब जन भीम का जयकार करने लगे। लेकिन अब ज्यादा देर तक वहां पे रुकना ठीक नहीं है। तब ऐसा है, कुंती ने अपने पूरी आयु में, अब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दुर्दैव के अनेक अवतार उसने देखे, अनेक अवतार। एक तो बहुत ही जल्दी है, बच्चे जब छोटे थे तभी पति का निधन, बाद में बच्चों को पालना, वह भी दूसरे घर में रह के, धृतराष्ट्र के घर में रह के, इन सब में ये लाक्षाग्रह की बात। उसके बाद में फिर आने के बाद द्यूत अनुद्यूत, इस कुचक्र में युधिष्ठिर के कारण द्रौपदी जैसी अपनी पुत्र वधु की, जो पुत्र वधु केवल नहीं थी, वो महारानी थी, सम्राज्ञी थी, और उसकी उसकी जो कुछ उसका अपमान हुआ, वह अपमान सब उसे देखना पड़ा, सहना पड़ा। लेकिन ऐसे होते हुए भी केवल एक ही था, एक भगवान पे पूरा विश्वास। और इसलिए सबसे आखिर में महाभारत में हम देखते हैं कि भगवान जी ने सबको पूछा, तो कुंती के पास भी गए और कुंती को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। कुंती बोली एक ही चीज दे देना। बोले क्या? तो बोली मुझे सदैव आपदा देना, संकट देना। अगर हमारे सामने भगवान जी आए तो क्या हम ये मांगेंगे कि संकट दे देना? तो उन्होंने पूछा कि संकट क्यों मांग रही हो, और कुछ भी मांगो। तो बोली बिल्कुल नहीं, मुझे संकट ही दे देना, क्योंकि जब संकट आता है तब आदमी तुम्हारी याद आती है, तब लोगों को तुम्हारी याद आती है। जब हम अच्छी तरह से जी रहे होते, अच्छी तरह से सब कुछ करते हैं, जब हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं हमारी जीवन में, या तो प्रमोशन मिलता है या और कुछ मिलता है, किसी की लॉटरी लग जाती है, किसी को और कुछ कहीं से भी मिल जाता है, एक अच्छा सा फ्लैट लिया या बंगलो लिया, बच्चे कहीं यहाँ पे अपने ही देश में या विदेश में गए, वहां पे अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं। अब ये सब जब अनुकूल होता है तब आप ये अपने मन में पूछो कि सही मायने में भगवान की याद आती है क्या? नहीं आती। जब आदमी को यश मिलने लगता है ना, तब वो कहता है ये सब किसके कारण हुआ? मेरे कारण हुआ। और जब उसको विफलता मिलती है, सफलता के लिए तो वो अकेला ही रहता है, लेकिन विफलता के लिए वो लोग भी चुनने लगता है, मार्ग भी चुनने लगता है कि
कि इनके कारण विफलता आई, उसके कारण विफलता आई और बाकी कुछ नहीं, तो भगवान से हमारा जो भी कुछ अच्छा हो रहा था ना वो देखा नहीं गया, भगवान को भगवान से देखा नहीं गया, क्या बोल रहे हैं हम। लेकिन जब आपदा आती है, विफलता आती है, केवल तभी हमें भगवान याद आते हैं। और इसीलिए कुंती कहती है कि हमेशा आपदा दे देना, संकट दे देना, ये उसका भी काफी बड़प्पन है। अच्छा वो बात भी ठीक है। अब कृष्ण जब जा रहे थे मध्यस्थी करने के लिए कौरवों के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में, कौरवों के पास जाते जाते कुंती को मिले ही वे, वो तो हस्तिनापुर में थी, पांडव ही इंद्रप्रस्थ में थे, तो जाने से पहले भी उसे मिले और वहां से निकलने के बाद भी उसे मिले। तो जाने से पहले जब उसको मिले तब लड़ाई टालने के हेतु वो जा रहे हैं, ये सुन के वो तो एकदम से बिफर पड़ती है, बोलती है युद्ध तो होना ही चाहिए, लड़ाई तो होनी ही चाहिए। तो बोले क्यों, जाते समय वो एक विदुला का उपाख्यान आता है महाभारत में, विदुला की कथा मेरे बच्चों को सुना देना, बस मेरा संदेशा वही है, बोलती कुंती। तो ये विदुला की कथा क्या है, विदुला जो थी एक राज्य की रानी थी, इकलौता बेटा था उसका, सिंधु नरेश ने जब आक्रमण किया तब उसका पुत्र रण से भागा हुआ वापस आया। विदुला तो थी निग्रही क्षत्राणी, बहुश्रुत तो थी ही और दीर्घदर्शिता थी, बहुश्रुत बहुत ज्यादा सुनने वाला। अब देखिए अंग्रेजी में और हमारी भाषा में, अंग्रेजी में जो विद्वान होते हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वेल रेड, बहुत ही पढ़ा हुआ, वेल रेड को वहां पे विद्वान कहा जाता है। हमारे यहाँ पे वेल रेड इसका कोई प्रयोजन नहीं, हमारे यहाँ पे कहा जाता है बहुश्रुत, बहुत ही ज्यादा सुनने वाले। काफी लोगों को हमने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं तो काफी ग्रंथों का अनायास ज्ञान हमें मिल जाता है। अब जो मानस शास्त्र साइकेट्रिस्ट थे वे तो ऐसा कहते हैं कि एक आदमी एक विषय पे जब बोलता है तब उसने उस विषय के कम से कम 33 ग्रंथ पढ़े हुए रहते हैं। मतलब जो सुनने वाले उनको 33 ग्रंथों का अनायास ज्ञान मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसमें क्या है क्या नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पे विद्वान को बहुश्रुत कहा गया, तो उस प्रकार की वो बहुश्रुत भी थी विदुला और दीर्घदर्शिता थी। जैसे ही उसका पुत्र वापस आया तो उसने उसको कहा कि शत्रु का आनंद मेरे दुख को बढ़ा रहा है, तुम वापस आई कैसे, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते, बाहर से स्कूल में आया है ऐसा लगता है, नहीं तो इस कुल में इस प्रकार से कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ, वापस जाओ लड़ो। अरे तुम जैसे लोगों को जब बैरी देखते हैं ना तब वो तालियां बजाते हैं, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे शत्रु आनंद से तालियां बजाते हैं और तुम्हारे मित्र रोते हैं तुम्हें देख के, कुछ तो पुरुषार्थ दिखाओ, ऐसे ही वापस आ गए भाग के, किस लिए आए हो, यहां पे किस लिए आए हो, अगर कुछ करना है तो पराक्रम दिखाना, वहां पे रण में ही पराक्रम दिखाते दिखाते मर जाना, अभी तुम्हारी कोई भी कीमत नहीं है। तो उसका जो बेटा है संजय वो अपनी माँ को कहता है, माँ तुम्हारा इकलौता बेटा हूं मैं जीवित हूं तो आनंद तो होना चाहिए, जीवित लौट के तुम्हारे पास आया हूं उसका तो आनंद होना चाहिए। तो माँ कहती है, बेटा ये माँ कुछ अलग ही है, ये माँ ऐसे मानने वाली है
कि कुसंतान से निसंतान अच्छा है, भीरूपना छोड़ो। मैंने इतना समझाया फिर भी वही कह रहे हो कि मैं वापस आ गया, मैं पुनः आ गया, मेरे घर में मैं आ गया, तुम्हारे पास मैं आ गया, तो इसमें ही आनंद ले लो, उसमें ही आनंद मान लो, कुछ कीर्तिकर काम कर दो वहां पे रण में, या तो विजय श्री पाओ या तो मर जाओ। संजय बोलता है क्या इसे पुत्र प्रेम कहते हैं? मैं जीवित हूं लेकिन मेरी मां को आनंद नहीं आ रहा है, सौतेले का जैसा व्यवहार कर रही हो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारा अपना पुत्र हूं ना, और मैं हूं, इसमें ही आनंद मान लेना चाहिए। क्योंकि हर स्त्री का जो जीवनोद्देश्य होता है, जीवन का प्रयोजन होता है, वो यही होता है ना, ममता प्रेम, इन सब शब्दों का तुम्हारे मायने में कोई अर्थ नहीं है या सब भूल गई हो? तो फिर विदुला कहती है कि बेटे तुम्हें जो पुत्र प्रेम लगता है या उसकी परिभाषा लगती है, वह सब पागलपन है, नीरा पागलपन, सब केवल मोह माया है। अगर इस समय तुम्हें मैंने चेताया नहीं, जगाया नहीं, तो ये मेरा धर्म नहीं होगा। मेरा मातृधर्म मुझे कहता है कि अगर बच्चे गलती करें तो उनको उसी समय सुधारो, उन्हें चेताओ, उन्हें जागृत करो, वही मैं तुम्हारे साथ कर रही हूं। तो जाओ और वहां पे कुछ तो पराक्रम दिखाओ। अरे तुम्हारे जैसे पराजित बेटे को अगर मैंने गले लगाया, उसमें ही मैंने आनंद पाया, तो मैं मानुष ही नहीं गधी कहलाऊंगी। केवल पैदा हुआ है मेरी कोख से, इसलिए मेरा पुत्र तुम हो ही नहीं सकते। पराक्रमी वीर बन के युद्ध करो, विजय श्री लेकर आओ, तब तुम्हें गले भी लगाऊंगी और तुम्हारे मेरे बच्चों को। और भगवान जी जाते हैं वापस और वो कथा सुना देते हैं। उसके पश्चात भारतीय युद्ध होता है। भारतीय युद्ध होने के बाद जब वन में जाने के लिए निकलती है कुंती, तब युधिष्ठिर उसी कथा की याद दिला देता है और कहता है कि विदुला की कथा हमें बताकर हमें तेज जगाने वाली, निर्माण करने वाली माता अब युद्ध के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम क्यों जा रही है? तो कुंती बोली, तब वैसा करना मेरा धर्म था और अब यह करना ये भी मेरा धर्म है, वानप्रस्थ को स्वीकारना। तुम्हारे अधिकारों का हनन मैं नहीं देख सकती थी क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूं, राज्योपभोग की तृष्णा तो मुझे थी नहीं, बस केवल पतिलोक प्राप्त करना है, अतः मैं मेरे सास ससुर के साथ जा रही हूँ। सास ससुर के साथ जा रही थी, किनके साथ? धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ जा रही थी। बोल रही है मैं मेरे सास ससुर के साथ जा रही हूं। अब भैया ये सास ससुर कैसे हो गए? ऐसा प्रश्न बहुत लोगों के मन में उत्पन्न होगा। तो हमारी परंपरा जान लीजिए तो ये प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा। हमारे यहाँ पे अगर माँ बाप नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, तो बड़ा बेटा जो होता है उसे पिता के स्थान में देखना चाहिए, ये हमारी परंपरा कहती है। इसलिए धृतराष्ट्र इसी लाइन से अगर हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि धृतराष्ट्र और गांधारी को वो सास ससुर क्यों कहती है। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता है धृतराष्ट्र, और इसी प्रकार से इसीलिए वो उनको सास ससुर कहती है। जाते जाते युधिष्ठिर को वो उपदेश देती है कि सहदेव के साथ प्रसन्नता से रहना। देखिए सहदेव माद्री का पुत्र है, लेकिन कुंती सबसे पहले बात करती है सहदेव की, सबसे कनिष्ठ है वो, और वो उसको कहती है युधिष्ठिर को सहदेव के साथ प्रसन्नता से रहना क्योंकि वो सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करता है सहदेव, इसलिए कभी भी उसके साथ ही रहना।
कर्ण का स्मरण रखना नित्य, क्योंकि कर्ण कौंतेय था, ये तो उसने बात पहले ही बताई थी, जब तर्पण कर रहे थे, जलदान कर रहे थे, तभी उसने बताई थी, तो अब भी वो बता रही है जाते समय कि कर्ण का स्मरण रखना, भीमार्जुन और नकुल को प्रसन्न रखना, तुम्हारे छोटे भाई है, सब मिलके काम करो, और ध्यान में रहे द्रौपदी का प्रिय करना, और इतना कह के वो वहां से निकल गए। अब वन में गई, वन में बाद में वो तीनों, शायद कल आपको बताया था, वहां पे जिस आश्रम में रहते थे वहां पे एक दिन आग लगी उस वन को, और वन के उस आग के लिपटों में तीनों जन वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। अब इसमें और एक तेजस्विता, तेजस्विनी क्षत्राणी लिखती है, वह है द्रौपदी। तो द्रौपदी के बारे में हम देखते हैं, तो द्रौपदी को हमारे यहाँ पे एक साहित्यकार ने उसे कामिनी कहा है, कामिनी क्यों, पांच पति थे इसलिए। द्रौपदी कहाँ पे कामिनी लिखती है आपको, हर शब्द का खुद का अर्थ रहता है, स्वयं का एक अर्थ रहता है, उसी प्रकार से उसी दृष्टिकोण से उसे देखना चाहिए। केवल पांच जनों की पत्नी थी इसलिए वो कामिनी। हम जब महाभारत पढ़ते हैं तो वो तो हमें मानिनी लगती है, मानिनी तेजस्विनी है, खरी खोटी सुनाने वाली है, इस प्रकार की वो हमें लगती है। भगवान जी से तो बहन से भी ज्यादा आगे का नाता रखने वाली, उनकी तो सखी है वो, केवल बहन नहीं सखी है, इतना नजदीक, इतनी नजदीक सख्यत्व, भक्ति के जो नौ तत्व हमारे यहाँ पे नवविधा भक्ति में कहा गया है ना, कहे गए हैं, उसमें से एक है सख्यत्व। उसका सौभाग्य उसे मिला है द्रौपदी को, यह भी बात ध्यान में रहनी चाहिए। द्रौपदी थी, द्रौपदी तो सीता के जैसी दिखती है, दोनों अयोनी जो है, सीता भूमि में मिली, द्रौपदी यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुई, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, मतलब उसका नाम था कृष्णा, की ही श्यामल वर्ण की, उस यज्ञ से उत्पन्न हुई इसलिए उसका नाम था कृष्णा, द्रुपद राजा की पुत्री इसलिए द्रौपदी। अच्छा, ये उत्पन्न क्यों हुए, क्योंकि द्रोण ने, द्रोणाचार्य जी ने जो अवमान किया था द्रुपद का, और उसका आधा राज्य उन्होंने हत्या लिया था, बाद में उसे छोड़ दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उस अवमान को ध्यान में रखते हुए उसने ये यज्ञ किया था, उस यज्ञ से उत्पन्न हुए ये दो, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, दोनों भाई बहन। और द्रौपदी उसी प्रकार से, द्रौपदी ने भी बहुत बहुत ही दुख झेले हैं, लेकिन बाद में विवाह के पश्चात, अच्छा उसका जो स्वयंवर था वो द्रुपद के मन में प्रत्यक्ष रूप से उसके लिए सुयोग्य वर जो था ना, वो उसको पराजित करने वाला अर्जुन था उसके मन में, लेकिन कह नहीं सकता था ऐसे। अर्जुन की धनुर्विद्या उसने स्वयं ने देखी थी, अनुभव की थी, तो उसके मन में अर्जुन के बारे में कहीं ना कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर लगता है। और ये महाभारत मैं बता रहा हूं, मेरे मनगढ़ंत कुछ भी नहीं। तो उसने वहां पे एक लक्ष्य रखा उसके स्वयंवर में, स्वयंवर भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि वो वीर यशुलगा थी, जो पराक्रमी वीर था, वो अगर वहां पे जो लक्ष्य रखा था उसे अगर भेद करे तो वो उसकी हो जाएगी। तो लक्ष्य क्या था, तो घूमते चक्र के अंदर रखे हुए लक्ष्य का भेद करना। वहां पे एक धनुष रखा था, पांच बाण रखे थे, और उनको लेकर लक्ष्य को साधना था। बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन सब असफल हुए, प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सके। अब देखिए, इसके लिए एक पूर्व शर्त थी जो धृष्टद्युम्न बताता है कि कोई भी अगर आगे आए तो भी वो किस प्रकार का चाहिए, कुलेन रूपेण बलेन युक्ता, हमारे कुल रूप एवं बल से, बल की बराबरी जिसमें हो ऐसा ही, मतलब इसके लिए कुछ शर्त है।
तो कर्ण ने वो प्रयास किया और एकाएक द्रौपदी बोल उठी नहम वरियामी सुतम, तो द्रौपदी ने उसका अवमान किया और इसलिए कर्ण भड़क गया वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें कोई कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है जब कर्ण ही वॉज नॉट एंटाइटल, है ना, क्योंकि कुल में कहा बराबरी में था, तो अपने आप वो वहां पे गया और उसने वो प्रयास किया और कोई बोल नहीं रहा है इसलिए द्रौपदी को स्वयं बोलना पड़ा नहम वरियामी सूतम, मैं सूत के साथ। अब ऐसा है उसने उसका कुल निकाला इसलिए वो क्रुद्ध हो गया। अब कर्ण का कुल महाभारत आप अगर देखोगे तो कई जनों ने निकाला है, दुर्योधन कई बार उसको सूत पुत्र ही कहता है, तब उसे गुस्सा नहीं आया, तब क्रोध नहीं आया, कई जन उसको सूत, क्योंकि तब की सामाजिक रीति रिवाज वैसे ही थे। इतना ही नहीं और भी अवमान करता है दुर्योधन। दुर्योधन तो ऐसा कहता है भीम के साथ, एक बार भीम को कहता है कि इसका पराक्रम देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि यह ऐसा है, हरिणी और शेर इन दोनों में फर्क होता है, कर्ण का तेज देखना पराक्रम देखना तो वो शेर जैसे किसी क्षत्रिय की संतान लगता है, किसी हरिणी के शरीर से वो तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, मतलब हरिणी अवमान नहीं है ये। और ये सब कर्ण के सामने होता है, लेकिन उसके कुल को उसकी माता तब की जो है राधा उसके बारे में हरिणी कहता है, उसके कुल को हरिणी कहता है, फिर भी उसको वह अवमान नहीं लगता। हाँ, और द्रौपदी के लिए वो अवमान लगता है। तो भैया महाभारत ठीक से पढ़ो और फिर बोलो। आपको और एक बात बताता हूं, अब महाभारत की जो संशोधित प्रत है भंडारकर इंस्टीट्यूट, उसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं है, यह सब प्रक्षिप्त है करके उन्होंने निकाल दिया। महाभारत की संशोधित प्रत तैयार करने के लिए कई वर्षों की वो कई वर्षों का उनका परिश्रम है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और कर्ण अगर उसमें उस स्थिति में उस शर्त में बैठता ही नहीं था तो द्रौपदी ने ऐसा कहना उसका अपराध कैसे। और आदि पर्व 188 में लिखा है कि राधेय दुर्योधन शल्य शालवई तदा धनुर्वेद परैर नृसंहि कृतम न सज्जम महतोपि यत्न्यात्। कितने स्पष्ट रूप से कहा है, क्या कहा है, कर्ण दुर्योधन शल्य शालवादी धनुर्वेद निष्णात लोग उस धनुष को प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सके। अगर आदि पर्व में ही यह लिखा है कि प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सके तो अवमान तो बहुत दूर की बात हो गई, प्रत्यंचा भी धनुष के ऊपर नहीं चढ़ा सके, यह आदि पर्व में ही लिखा है। तो अब ये जो श्लोक मैंने आपको बताया ना, ये संशोधित आवृत्ति में है, तभी आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा है जहां पे अपमान ही नहीं वहां पे चिरहरण के समय उसने प्रतिशोध के रूप में ऐसा कहा। प्रतिशोध ऐसा होता है, कर्ण भर सभा में द्रौपदी को वेश्या कहता है, वेश्या, इसे प्रतिशोध नहीं कहते, इसे सभ्यता भी नहीं कहते। इतना ही केवल आपको बताता हूं, क्योंकि कर्ण के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, द्रौपदी के ऊपर बोल रहा हूं। तो उसके बाद में वन में एक बार भगवान जी सत्यभामा जी को लेकर वहां पे वन में जाते हैं, तो सत्यभामा द्रौपदी को लेकर एकांत में जाती है और उसे पूछती है कि यहाँ पे एक संभालना मुश्किल होता है, तुम पांच पांच को कैसे संभालती हो, कैसे निभाती हो, ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जिसके कारण सब पति तुम्हारे वश में रहते हैं, क्या कोई टोना टोटका है, कोई मंत्र तंत्र, कोई औषधि खिलाई है क्या, ये पांचों पति सब तुम्हारा सुनते हैं, ये कैसे संभव हुआ, कुछ तो बताओ। तब द्रौपदी ने उसे पत्नी धर्म नारी धर्म सत्यभामा जी को उपदेश किया द्रौपदी ने,
और उसने कहा कि मैं मेरे पतियों का किस प्रकार से ख्याल रखती हूँ। अब ऐसा है जो इस प्रकार का चातुर्य पालती है उनका पूरा पूरा जीवन सुखी हो जाता है। केवल तू तू मैं ही करने वाले होते हैं, उनके जीवन में हमेशा झगड़ा ही लिखा हुआ रहता है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे हमेशा दूध और शक्कर का कोई कोई लोग उदाहरण देते, हमारे पुराने लोग जो थे ना, दूध और शक्कर का उदाहरण देते थे कि अगर दूध में शक्कर मिला दी जाए तो लोग शक्कर में मिली हुई दूध में मिली हुई शक्कर बहुत ही मीठी है ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हैं, दूध काफी मीठा है। तो शक्कर को ऐसा तो लगता नहीं होगा ना कि मेरा अवमान किया है। इस प्रकार से अगर पति पत्नी के जोड़े संसार में चले तब ऐसा है, ठीक है, वो तो काल वो जमाना अलग ही था, आज का जमाना अलग है। आज अगर ऐसा कुछ हम बताने लगेंगे ना तो भैया जूते पड़ेंगे और कुछ नहीं। अतः जिन्हें पढ़ना है वो मूल महाभारत में उसका अध्ययन कीजिए, उसे पढ़ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में हम देखते हैं तो पति के धर्म कार्पण्य की वजह से द्यूत हुआ, द्यूत में सब कुछ हार गए, द्रौपदी को लगाया उसे भी हार। तब द्रौपदी को लेने के लिए जो दूत जाता है उसे द्रौपदी पूछती है कि खुद हारने के बाद पांडवों ने मुझे लगाया या मुझे लगाने के बाद वे हार गए, यह प्रश्न उनसे पहले पूछो। प्रत्यारी जाता है लेकिन उसे ठीक से जवाब नहीं मिलता, फिर दुशासन आता है और दुशासन उसके बाल पकड़ते उसे घसीटते हुए भर सभा में ले आता है। तब भी वो विलाप करती है, कहती है मैं रजस वाला हूं, एक अवस्त्र हूं, यहां पे घसीटने का प्रयोजन क्या। जो काफी बड़े और विद्वान भीष्म जैसे भीष्म पितामह वहां पे थे, विदुर थे, लेकिन वो सब गर्दन झुका के बैठे थे। पांचों पतियों की भी वही अवस्था थी। और फिर चिरहरण के समय भगवान जी ने उसकी रक्षा की, इसलिए वो जो था अब चिरहरण में वहां पे भगवान आए, उन्होंने रक्षा की, तब जो स्थितियां निर्माण हुई है उसकी गंभीरता धृतराष्ट्र को समझ में आई। फिर उसने द्रौपदी सबको रोका, फिर द्रौपदी को बुलाया और उसे उसने कहा कि कुछ वरदान मांगो। द्रौपदी ने कहा पहला वरदान, युधिष्ठिर को इससे दास्यता से मुक्त करो और मेरा जो बड़ा बेटा है युधिष्ठिर से पैदा हुआ प्रतिबिंध्य, इन सबको मुक्त करना किया। दूसरा वरदान, तो बोली दूसरे वरदान से मेरे बाकी जो चार पति है वे उनके अस्त्र शस्त्र समेत मुक्त हो जाए। हाँ बोले कर दिया। तीसरा वर, तू बोली मैं क्षत्रिय हूं, मैं दो वरों की अधिकारी हूं, तो तीसरा वर नहीं मांगूंगी, धर्मशास्त्र की भी वो अच्छी जानकार थी, तो बोली तीसरा वर तो नहीं मांगूंगी, और ऐसा है दो ही काफी है, क्योंकि जब मेरे पति मुक्त हैं तब मैं दास्यत्व में बंधी हुई रह ही नहीं सकती। बोले ठीक है। उसके बाद में लेकिन फिर अनुद्युत हुआ और फिर वन में जाने का और अज्ञातवास में रहने का, फिर उसके नरसिम्हा है जो द्रौपदी इंद्रप्रस्थ नगरी की महारानी थी और वही इंद्रप्रस्थ में राज कर रही थी, वह आज इस अनुद्युत के कारण फिर उसको पांडवों के साथ जाना पड़ा बाहर, अज्ञातवास में रहना पड़ा। उस अज्ञातवास में
जिस विराट की नगरी में वो रह रही थी, उस विराट का शालक था और वो शालक सेनापति भी था जिसका नाम था कीचक। वह कीचक सैरंद्री बने द्रौपदी के पीछे पड़ा, काफी तरह से उसको वश में लाने का वो प्रयास कर रहा था। अच्छा, वहां पे कंक बने थे युधिष्ठिर, वहां पे बल्लव बने थे भीम, सब जन वहीं पे अलग अलग नामों से रहते हैं। फिर भीम के पास गई द्रौपदी और उसने कहा कि इतने बड़े पराक्रमी मेरे पति है, फिर भी मेरी विटंबना हो रही है, कुछ तो करो वरना कल का सूर्योदय मैं नहीं देखूंगी। और फिर भीम ने जाके कीचक को मार दिया, उसका नाश किया। वही हालत महायुद्ध के पहले हुई थी। महायुद्ध के पहले भगवान जी ने सबको पूछा कि अब कौरवों के पास जा रहा हूं क्या बोलूं, तो सभी पांडवों ने बताया कि जितना भी युद्ध टाल सकेंगे उतना ही टालना अच्छा। केवल द्रौपदी बोली कि अगर मेरे पति युद्ध टालने के लिए कहते होंगे तो फिर मेरा कहना यह है कि युद्ध अवश्य ही होना चाहिए। मेरे पांच पुत्रों के समेत मैं खुद रणक्षेत्र में कूदूंगी और मैं युद्ध करूंगी, लेकिन युद्ध होना चाहिए। तो भगवान जी बोले हंसकर कि जो होने वाला है वही तुम बोल रही हो, वो अवश्य होगा युद्ध। इस प्रकार से एक द्रौपदी अर्थात बोलते बोलते घड़ी की तरफ भी मेरा ध्यान है, लेकिन ऐसा है कि दो दिन में गांधारी, कुंती, द्रौपदी, इन सब के बारे में बोलना काफी कठिन हो जाता है वक्ता के लिए, क्योंकि इन विषयों पे, एक एक विषय पे करीब करीब 1.5 घंटा, हम बोलते एक विषय पे, तो पौन या एक घंटे में इन तीनों विषयों को दो दिन में, मतलब 2 घंटों में पूरा करना भी असंभव है। इसलिए हमेशा कूदना पड़ता है विषय के आगे, इस विषय से उस विषय पे हमें कूदना पड़ता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। एक है कि आप इतना समझ लीजिए कि ये इन विषयों का, जो रामायण हो चाहे महाभारत हो, इस नवरात्रि के उपलक्ष में यह सब ट्रेलर था। विषय अच्छी तरह से समझने हो तो मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि जैसे अप्रैल में मैं वहां पे आने वाला था, वैसे ही आपसे निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष हो सकता है कोरोना का संकट जाए, तब वहां पे कहीं कहीं आऊं और इस विषयों को अच्छी तरह से आपके सामने रख पाऊं, ऐसी मेरी भी एक कामना है, प्रार्थना भी है भगवान से कि देखूं। और महाभारत, रामायण हो चाहे हमारे और अलग अलग विषय है, काफी कुछ है देने लायक, काफी कुछ है। तो ऐसे सब विषय कादम्बिनी जी को तो मालूम ही है कि गए वर्ष ये सब चल रहा था, पालकर जी को मालूम ही है। तो देखते हैं अगले वर्ष क्या होता है क्या नहीं। यहां पर अभी मैं विश्राम लेता हूँ, मेरे वाणी को रोकता हूँ। उद्या आपण झाशीच्या राणीवरती ऐकणार आहोत। झाशीची राणी म्हणजे उद्या आणि परत मध्ये एक दिवस खंड आहे आणि त्याच्यानंतरचा एक दिवस आहे। त्याच्यानंतरच्या दिवशी आपण स्वातंत्र्य युद्धातल्या वीरांगना याच्यावर ऐकणार आहोत। उद्या परत सकाळी 8 वाजता आपण भेटूच। अधिकाधिक लोकांना आपण सांगा, अधिकाधिक लोक या मोहिमेत झूमवरच्या कसे कसे सामील होतील तेही आपण बघा, ही आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो आणि इथे थांबतो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।